हेलो एंड वेलकम आई एम डॉक्टर रोहिताश्व चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन एविडेंसेस एंड ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू ट्रांसपेरेशन पोल थियोरी ऑफ एसेंट ऑफ सेप इस प्रस्तुतिकरण में मैं रसारोहण को समझाने के लिए दिए गए वाष्पोसन तनाव सिद्धांत के समर्थन में जो प्रमाण दिए गए हैं उनके बारे में और उसके विरोध में जो आक्षेप दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा सो फर्स्ट इन सपोर्ट ऑफ टेंशन थ्योरी वार्षो तनाव संसंजन तनाव सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण फर्स्ट द रेट ऑफ ऑटर एब्जॉर्पन एंड देर फॉर एसेंट ऑफ सैप इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जल अवशोषण की जो दर होती है और दूसरे शब्दों में कहें तो जो रसारोहण की दर होती है वह अधिकांश परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होती है अर्थात जितना वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है उतना ही जल अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है रसारोहण की दर भी बढ़ जाती है और जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है वैसे ही जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है रसारोहण की दर भी कम हो जाती है तो चूंकि दोनों क्रियाएं आपस में समानुपाती संबंध प्रदर्शित करती है इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि वाष्पोसर्जन ही वास्तव में वह बल है जो रसारोहण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है सो एज बोथ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपेरेशन एंड एब्जॉर्ब्शन ऑफ वॉटर और एसेंट ऑफ सैप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और द रेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर वी कैन से ट्रांसपेरेशन इज द फोर्स और प्रोसेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एब्जॉर्ब्शन ऑफ वॉटर एज वेल एज एसेंट ऑफ सैप ओपरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम ए पोरस पॉट और एटमोमीटर कैन पुल द वॉटर कॉलम इन एन अटैच ट्यूब एंड कैन इवन रेज ए कॉलम ऑफ मर्क टू सफिशियंट हाइट इस क्रिया को यानी वाष्पोसर्जन तनाव के द्वारा रसारोहण की क्रिया को या वाष्पीकरण के द्वारा जल के ऊपरी मुखी चालन को एटमोमीटर नामक एक उपकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है इस एटमोमीटर में एक पोरस पॉट होता है छिद्रिल गमला होता है जिसमें नम मृदा उपस्थित होती है यह पोरस पॉट छिद्रित गमला एक कांच की नलिका से जुड़ा हुआ रहता है इस कांच की नलिका में ऊपर जल उपस्थित होता है और नीचे मरकरी उपस्थित होता है जो मरकरी से भरे एक बीकर में यह नलिका का निचला सिरा डूबा हुआ रहता है एंड और इस पूरी नलिका में जल और मरकरी एक सतत स्तंभ के रूप में उपस्थित होते हैं बीच में कहीं भी कोई वायु का बुलबुला नहीं होता इस प्रकार से इस उपकरण को सेट किया जाता है तो दिस इज एन एटमोमीटर यह एक एटमोमीटर है जिसके द्वारा हम जल के ऊपरी मुख्य चालन को प्रदर्शित कर सकते हैं इन दिस देर इज ए पोरस पॉट फिल्ड विद वेट सॉइल ए ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड विद दिस पोरस पॉट इन अपर पोर्शन ऑफ दिस ग्लास ट्यूब वॉटर इज फील्ड एंड इन लोअर पोर्सन ऑफ दिस ग्लास ट्यूब मर्क इज फील्ड एंड दिस ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इन ए मर्क इन ए बीकर सो एवोपरेशन ऑफ वॉटर दैट इज दिस पोरस पॉट इसके सतह से जब जल का वाष्पीकरण होता है एवोपरेट्स फ्रॉम दिस पोरसोट पॉट कंडीशन आर मेंच दट दि दिस पोरसपॉट और एटमोमीटर इज कैप्ट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी इसको अधिक तापमान पर रखा जाता है और अधिक वायु के प्रवाह में रखा जाता है जिससे पोरसपॉट की सतह से जल का वाष्पीकरण होता है तो एट हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी वाटर एवोपरेट फ्रॉम सरफेस ऑफ दिस पोरसपॉट एंड वेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ दिस पोरसपॉट वी कैन सी आफ्टर सम टाइम दैट द मर्करी विच इज प्रजेंट इन दिस ग्लास ट्यूब इट स्टार्ट राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन जब कुछ समय के लिए इसको हम रखते हैं और कोरस पॉट की सतह से वाष्पीकरण होता है तो हम ये देखते हैं कुछ समय के पश्चात इस नलिका में मरकरी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तो यह मरकरी जो ऊपर की ओर चढ़ता है इस कारण से चढ़ता है क्योंकि जब जल का वाष्पीकरण होता है तो पॉट के अंदर डीपीडी का मान बढ़ जाता है यानी जल की कमी हो जाती होती है तो यह पॉट इस कांच के नलिका में से जल को पॉट की तरफ खींचता है इस तनाव के कारण जल ऊपर की ओर खींचता है और जब जल ऊपर की ओर खींचता है तो चूंकि जल मरकरी के साथ कंटिन्यूटी में है उसके साथ सततता के रूप में उपस्थित है यानी कंटिन्यूस कॉलम के रूप में उपस्थित है तो जल जब ऊपर की ओर खींचता है तो जल का डीपीडी बढ़ जाता है और उसके फलस्वरूप यह मरकरी को भी अपने दिशा में ऊपर की ओर खींचता है अपवर्ड मूवमेंट इसका मरकरी का या पारे का भी ऊपर की ओर होता है तो दिस प्रोसेस कैन बी एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इस क्रिया को प्रायोगिक दृष्टि से प्रदर्शित किया जा सकता है अर्थात एक पॉट से जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो इस एटमोमीटर में जो जल का स्तंभ है या जो मरकरी का स्तंभ है जो नलिका में उपस्थित है वह ऊपर की ओर खींचता चला जाता है एक सामान्य ऊंचाई तक उसको ऊपर की ओर खींचा जा सकता है तो ठीक यही क्रिया हम कह सकते हैं पादप में भी होती है जब वहां वाष्पोसर्जन होता है तो जल स्तंभ जाइलम में ऊपर की ओर खींचता है ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ वाष्पीकरण के कारण वाटर और मरकरी ऊपर की ओर इस कांच के नलिका में खिंचते चले जाते हैं देन ए ट्रांसपायरिंग शूट अटैच टू ए वाटर फिल्ड ट्यूब डेप्टी इन मरकरी इन ए बीकर कैन पुल द मरकरी इन टू ट्यूब शोइंग ट्रांसफरेशन पुल तो एक्वीटर के समान ही यदि पोरस पॉट के स्थान पर हम एक वास्पोषण करने वाले रोह या टहनी को काम में लें तो भी यह क्रिया प्रदर्शित की जा सकती है यानी वाष्पोसर्जन करने वाली टहनी को स्थान के स्थान पर काम में लिया जाए तो टहनी के वार्षपोत्सर्जन के द्वारा भी यही क्रिया प्रदर्शित की जा सकती है जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है सेम इक्विपमेंट है अंतर केवल इतना है कि इसमें पोरस्पॉट के स्थान पर एक प्विग लगा रखी है और इसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है और तेज वायु की उपस्थिति में रखा गया है जिससे इन पर्ण के सत से वाष्पोसर्जन तेज गति से हो सके और जब पर्ण के द्वारा तेज गति से वाष्पोसर्जन होता है तो कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि कांच के नलिका में मरकरी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एटमोमीटर में वाष्प वाष्पीकरण के द्वारा मरकरी ऊपर की ओर चढ़ता है ठीक उसी प्रकार से इस प्रयोग के अंदर इस टहनी के में उपस्थित पर्ण के द्वारा जो वाष्पोसर्जन होता है उसके द्वारा मरकरी ऊपर की ओर चढ़ता है यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण एक सफिशियंट क्वांटिटी में ऐसा तनाव निर्मित हो सकता है जो कि जल स्तंभ को या मरकरी को ऊपर की ओर खींच सकता है तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि पादपों में भी संभवतः प्राकृतिक परिस्थितियों में भी इसी वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल के रसारोहण की क्रिया होती है तो इन एटमोमीटर इफ एटमोमीटर कोर स्पॉट इन एटमोमीटर इज replaced by a transpiring twig then same process can also be demonstrated that when this transpiring twig is kept in sunlight and high wind velocity then transpiration takes place from leaves and when this transpiration increases then we can see rise of mercury in this glass tube in the same way as it occurs in the atmometer so we can say the in atmometer evaporation is the force responsible, which is responsible for rise of mercury in the tube. And in second experiment, transpiration force or transpiration pull generated by transpiration by the leaves is the force responsible for rise of mercury in this glass tube. And this we can say is equivalent to rise of water in xylem elements of plant in natural condition. and which is responsible for process of ascent of sap. Water is pulled or sucked in from the cut end of a branch when it is cut from a rapidly transpiring plant, indicating presence of tension in transpiring branch. यदि किसी पादप में तीव्र गति से वाष्प उत्सर्जन हो रहा है तो उसके टहनी को यदि एकदम से काट दिया जाए तो टहनी के कटे हुए सिरे से जल ऊपर की ओर खींच जाता है या ऊपर की ओर खींच लिया जाता है तो जल के तेजी से ऊपर की ओर खींचने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वार्षपोत्सर्जन करने वाली टहनी में कोई तनाव उपस्थित था और जैसे ही टहनी को काटा गया तो इस तनाव के कारण जल जो है वह ऊपर की ओर खींच जाता है तो इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार का तनाव या टेंशन वार्ष करने वाली शाखा में उपस्थित होता है ड्रोग्राफ dendrograph. Dendrograph एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से तने का व्यास मापा जा सकता है डेंड्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विद हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर डायमीटर ऑफ ट्री ट्रंक्स मैक्टोगल

वृक्षों के तनों में दिन के समय जब वाष्पोसर्जन हो रहा होता है या अधिक वाष्पोसर्जन कारण दिन के समय में वृक्षों के तने सिकुड़ जाते हैं अर्थात उनका व्यास या डायमीटर कम हो जाता है जो उनके अंदर एक तनाव की उपस्थिति को सिद्ध करता है जो कि वाष्पोसर्जन के कारण है और यही वृक्षों के तने यदि रात्रि में इनके व्यास का मापन किया जाए तो यह पुनः सामान्य हो जाते हैं अर्थात जो श्रृंकेश था वो समाप्त हो जाता है और तने सामान्य हो जाते हैं क्योंकि रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन नहीं होता इस कारण से वृक्षों के तने पुनः सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तो दिन के समय वृक्षों के तने का श्रृंख होना या सिकुड़ना यह प्रदर्शित करता है कि दिन के समय तनों में एक प्रकार का तनाव उपस्थित होता है और यह तनाव वाष्पोत्सर्जन के कारण ही उपस्थित होता है या ट्रांसपेरेशन पुल के रूप में ही होता है टेंट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्टी एक्वा टॉप ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट जायलम में जो रस उपस्थित होता है उपस्थित होता है उसके तनन सामर्थ्य का मापन किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का मापन किया गया और यह देखा गया कि जाइलम रस की जाइलम सैप की जो तनन सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है खिंचाव को सहन करने की क्षमता जो होती है वह सभी केसेस के अंदर लगभग 30 वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है इट इज ऑलवेज मोर देन 30 एटमोस्फेयर वेर एज द मैक्सिमम पुल रिक्वायर्ड टू रेज वॉटर टू टॉप ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट इज ऑनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी एटमोस्फेयर जबकि सबसे ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक भी जल को पहुंचाने के लिए जो वाष्पोसन तनाव का मान आवश्यक होता है वह केवल पंद्रह से बीस वायुमंडलीय दाब ही होता है तो हम ये कह सकते हैं जो अधिकतम वाष्पोजन तनाव का मान किसी भी पादप के लिए आवश्यक होता है वह केवल 15 से 20 वायुमंडलीय दाब ही होगा जो कि जल स्तंभ या जाइलम में जो रस उपस्थित होता है या जल स्तंभ उपस्थित होता है उसके तनन सामर्थ्य की तुलना में काफी कम है अर्थात इस वाष्पोसर्जन तनाव के द्वारा जायम तत्वों में जो जल स्तंभ उपस्थित होता है उसकी सततता कभी भी टूटेगी नहीं एंड वाटर कॉलम कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम विल ऑलवेज बी मेंटेन्ड इन द प्लांट्स सो दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोरेशन पुल थ्योरी यह भी वार्षपन तनाव सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है नेक्स्ट एविडेंस इज द लैक ऑफ फेसल्स इन जिम्नोस्पम्स ऑल्सो सपोर्ट दिस थ्योरी बिकॉज वाटर कॉलम इन ट्रैकिड्स इज मोर रेजिस्टेंट टू ग्रेविटेशनल ब्रेक जिम्नोस्पम्स में वाहिकाओं का अभाव भी इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है क्योंकि जिम्नोस्पम विश्व में जो सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं उनमें से कई अनावृत बीजिया जिम्नोस्पम्स ही होते हैं और इन जिम्नोस्पम्स में वाहिकाएं नहीं पाई जाती केवल वाहि काएं ही पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि वाहिनिकाएं वाहिकाओं की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या गुरुत्व बल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है वैसल आर मोर रेजिस्टेंट टू ग्रेविटेशनल ब्रेक सॉरी ट्रैकिड्स आर मोर रेजिस्टेंट टू ग्रेविटेशनल ब्रेक कंपेयर्ड टू वैसल्स वाहिनिकाएं जो होती है वह गुरुत्व बल के लिए अधिक प्रतिरोधी होती है वाहिकाओं की तुलना में और ऊंचे वृक्षों में वाहिकाएं पाई ही नहीं जाती केवल वाहनिकाएं ही पाई जाती है जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक अधिक प्रतिरोधी संरचनाएं होती है ग्रेविटेशनल ब्रेक के द्वारा टूटने के लिए अधिक प्रतिरोधी होती है टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर रेडवुड्स एंड कॉनिफर्स तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो ऊंचे वृक्ष होते हैं वह सामान्यतः रेडवुड्स यानी जिम्नोसपम्स या कॉनिफर्स होते हैं जो भी अन, जो भी अनावृत बीजियों का ही एक समूह है तो so इनमें चूंकि अब वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है तो अधिक ऊंचाई के कारण इनमें वह संरचनाएं पाई जाती है जो ग्रेविटेशनल ब्रेक के लिए अधिक प्रतिरोधी होती है अर्थात वाहिनिकाएं इनमें उपस्थित होती है और वाहिकाएं जो ग्रेविटेशनल ब्रेक के लिए तुलनात्मक रूप से कम प्रतिरोधी होती है वह इन ऊंचे वृक्षों में या जिम्नोस्टॉन्स में नहीं पाई जाती सो दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी देन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस थ्योरी

विस्तारित होती है इनका प्रसार होता है विस्तार होता है और उसके फलस्वरूप जाइलम तत्वों में यानी वायिकाओं या वायनिकाओं में वायु के बुलबुलों का निर्माण हो सकता है और यह वायु के बुलबुले यदि निर्मित होंगे तो वह जल स्तंभ की सततता को भंग कर सकते हैं तोड़ सकते हैं और उसके कारण से रसारोहण की क्रिया रुक सकती है तो जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है इसमें दो समानांतर वाहिकाओं को प्रदर्शित किया गया है टू पैरल एयर कैविटी इज फॉर्मड इस वाहिका में एक वायु गुहिका या बड़े वायु के बुलबुले का निर्माण हो गया है और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस वेसल्स हैज बीन ब्लॉक्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एन एयर कैविटी यह वाहिका एक वायु गुहिका निर्मित हो जाने के कारण अवरुद्ध हो गई है या ब्लॉक हो गई है या एम्बोलाइज हो गई है तो यदि इस प्रकार से कोई वाहिका या वाह है, एयर बबल के द्वारा ब्लॉक हो जाएगी जो कि उनमें उपस्थित वायु के बुलबुलों के विस्तार के कारण वायु के बुलबुलों के बड़े हो जाने के कारण होता है तो रसारोहण की क्रिया रुक सकती है एसेंटोक्साइप की क्रिया रुक सकती है इसी प्रकार से यह एक वाहिनिका में प्रदर्शित किया गया है वाहिकाओं में जैसे हम जानते हैं परफोरेशन प्लेट्स उपस्थित होती है यानी कि इनके एंड वॉल्स या सिरों की भित्तियां जो है वह छिद्रिल होती है और इस कारण से वैसे एलिमेंट्स एक लंबी वाहिका का निर्माण कर सकते हैं इस चित्र में वाहिनिकाओं को या ट्रैकिट्स को प्रदर्शित किया गया है ट्रैकिड्स में सिरे की भित्तियां उपस्थित होती है एंड वॉल्स प्रेजेंट होती है तो इस कारण से ट्रैकिट्स लंबी नलिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती और इसी कारण से यह ग्रेविटेशनल पुल के लिए ट्रांसपिरेशन पुल के लिए वाहनिकाएं जो होती है तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोधी होती है अर्थात ये बहुत अधिक लंबी संरचनाओं के रूप में नहीं पाई जाती छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में पाई जाती है और इस कारण से किसी भी प्रकार के तनाव के लिए अधिक प्रतिरोधी होती है और इसी कारण से जिम्नोस्टोम में जो कि अधिक लंबे वृक्ष होते हैं उनमें केवल वाहि ही पाई जाती है वाहिकाएं अनुपस्थित होती है तो यहाँ इसमें भी वही प्रदर्शित किया गया है

पादपों में में जाइलम रस में, तनाव का मान 100 वायुमंडलीय दाब तक भी देखा गया जबकि वास्तव में जो कोई फोर्स है रस की अर्थात जो तनन सामर्थ्य होती है वह 45 वायुमंडलीय दाब तक ही होती है तो जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं यदि तनाव का मान 45 वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जल स्तंभ की सततता भंग हो सकती है इफ वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेशन पुल और टेंशन इंक्रीजेस बियॉन्ड Beyond 45 atmospheric pressure. Like what has been observed by McDougall in some plants, that a transpiration pool of about 100 atmospheric pressure has been observed. So if transpiration pool value reaches to 100 atmospheric pressure, then water column, continuity of water column in xylem sap cannot be maintained because tensile strength of water column or water is only 45 atmospheric pressure. तो दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस थ्योरीपिंग कट्स इन स्टेम्स्यूटी ऑफ वॉटर कॉलम यदि तने में एक के ऊपर एक लगातार कई कट लगाए जाए तो उनसे भी रसारोहण की क्रिया रुकती नहीं है जबकि एक के ऊपर एक ठीक ऊपर यदि हम एक कट लगाएंगे तो उससे जल स्तंभ की सततता भंग हो जाने चाहिए तो तात्पर्य है कि इन कट लगाने से ऐसा माना जाता है कि जल स्तंभ की सततता भंग हो जाती है कंटिन्यूटी वाटर कॉलम की ब्रेक हो जाती है लेकिन फिर भी रसारोहण की क्रिया रुकती नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि जल स्तंभ के भंग होने के उपरांत भी रसारोहण की क्रिया चलती रहती है तो संभवतः रसारोहण के लिए कोई अन्य क्रिया उत्तरदायी होती होगी सो दीज आर सम मेन ऑब्जेक्शन विच हैव बीन रेस्ड अगेंस्ट दिस थ्योरी यह वह कुछ आक्षेप है जो ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी के विरोध में प्रस्तुत किए गए हैं हाउ एवर इट इज बिलीव दैट आइदर एयर बबल फॉर्म और वॉटर कॉलम तो इन आक्षेपों को भी समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो इस प्रकार से है कि साइलम वाहिकाओं में या वाहनिकाओं में या तो वायु के बुलबुलों का निर्माण होता ही नहीं है या जो वायु के बुलबुले निर्मित होते हैं वह इतने छोटे होते हैं जो जल स्तंभ की सततता को

वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ सकते साथ ही तने के के जाइलम अंदर अनेक वाहिकाएं और वाहिनिकाएं समानांतर रूप से व्यवस्थित होती सैकड़ों हजारों की संख्या में यह समानांतर रूप से पैरल रूप में अरेन्ज रहती है तो यदि इन सैकड़ों हजारों की संख्या में समानांतर रूप से उपस्थित वाहिकाओं वाहिनिकाओं में कोई दो या चार वाहिकाएं या वाहिनिकाएं वायु के बुलबुलों के कारण अवरुद्ध हो भी जाती है तो भी उन वाहिकाओं या वाहनिकाओं में जो जल स्तंभ है उनके, उनके पास स्थित अन्य वाहिका या वायनिका के द्वारा बनी रहती है जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है यदि यहाँ वायु का बुलबुला निर्मित हो गया इफ एन एयर बबल इज फॉर्म एट दिस प्लेस देन वॉटर प्रेजेंट हि इन दिस वेसल कैन मेंटेन कंटिन्यूटी विद वॉटर कॉलम प्रेजेंट इन एडजॉइनिंग वेसल इसके समीप जो दूसरी वाहिका उपस्थित है उसके साथ यह जल सततता बनाए रखता है वाहिकाओं के भित्ति में उपस्थित गर्तों के द्वारा या पेट्स के द्वारा तो यदि कुछ वाहिका या वायनिका अवरुद्ध हो भी जाती है तो भी समानांतर रूप से पास में स्थित अन्य वाहिकाओं या वायनिकाओं से जल स्तंभ की सततता बनी रहती है यानी वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और इस कारण से रसारोहण की क्रिया पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा

टूटती नहीं है वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी टूटती नहीं है क्योंकि जल स्तंभ की वाहनिकाओं में, में जल स्तंभ की जो है वह उनके भित्तियों में उपस्थित गर्तों के द्वारा पिट्स के द्वारा मेंटेन रहती है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम इन एडजॉइनिंग वेसल्स एंड ट्रैकिट इज में पिट्स प्रेजेंट इन

प्रमाणों के साथ हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ट्रांसपेरेशन पुल वाष्पोत्सर्जन तनाव संसंजन, आसंजन सिद्धांत ही रसारोहण की क्रिया को समझाने वाला पूर्ण संतोषजनक रूप से समझाने वाला एकमात्र सिद्धांत है और इस कारण से वर्तमान में यही सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत है रसारोहण क्रिया को समझाने के थैंक्स फॉर